स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लतीफ एसएससी इस नए रिव्यू के साथ। आपको पता है कि हम कर रहे हैं ग्रेड 9th इंग्लिश का रिव्यू नंबर 3, और जिसमें लेसन जो हैं वो शामिल हैं 9 to 12। इससे पहले हम रिव्यू नंबर 1, रिव्यू नंबर 2 कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आज हम रिव्यू नंबर 3 कर लेंगे। और इस तरह 3 रिव्यूज करने के बाद 25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली इन 3 वीडियोस के बनते हैं, तो आपको इससे मिलेंगे 19 मार्क्स। क्योंकि जो भी हमने ये तीनों रिव्यूज किए हैं, हमने कंसेप्चुअली इनका सलूशन किया है। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। पहला पॉइंट है द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड। तो वहां पे 4 उसने ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें जो इसका रिक्वायर्ड आंसर है वो है डिससेटिस्फाइड, गेट सली बख्श। तो गेट सली बख्श यानी ये वाला इसका ऑपोजिट, क्योंकि उसने इसका एंटोनीम पूछा है ऑपोजिट। आपको पता है कि जो पहले पॉइंट्स होते हैं वो सिनोनिम और एंटोनीम पर ही मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग। और आपको ये भी पता है कि 4 MCQs ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ उनकी स्टेटमेंट ये होती है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, ठीक है। तो 4 आपको वर्ड्स दिए होते हैं, उनमें से एक के स्पेलिंग 100% ठीक होते हैं, उसको आपने टिक लगाना होता है। तो इधर जो है वो लफ्ज़ से पूछा है कन्वोल्यूशंस। तो कन्वोल्यूशंस आपका ये जो वर्ड है 3 days to see, ठीक है, लास्ट लेसन है उसमें से लिया गया। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ वाइंडिंग टूगेदर, ठीक है, किसी चीज को इकट्ठे बाल देना है, किनारे के मैनों में भी आता है। एक चीज बता दूं बहुत ही अहम है कि लफ्ज एक होता है गैदर, GATHER, इसका मतलब होता है टू कलेक्ट, इकट्ठे करना। अच्छा, एक होता है टू गैदर, ठीक है, यहां पे ए है, यहां पे ई है, टुगेदर यानी अलोंग विद, इकट्ठे के साथ मिलके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेड से निकला है ग्रेजुअली, तो इसका मतलब है जी बाय डिग्रीज, दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके लिए जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो है स्टेडीली, विद कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो स्लीके के साथ, करीने के साथ। तो अच्छा, मैनिफोल्ड इज नॉट सिमिलर विद, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें मैनिफोल्ड जो है वो इनमें से किसी एक के साथ टैली नहीं करता, बाकी सब के साथ टैली करता है, मिलता है। मैनिफोल्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, गुनागुन, ठीक है, रंग रंग के, तो बहुत सारे, वेरियस, डिफरेंट नंबर ऑफ, मुख्तलिफ किस्म के, मैनी, अलॉट ऑफ, बहुत सारे मैनी, ठीक है। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब अनलाइक, विच इज नॉट आइडेंटिकल, विच इज नॉट सिमिलर, ये भी बहुत सारे हैं अनलाइक, ठीक है। तो ये फ्यू हैं चांद एक, तो इसका मतलब ये चांद एक थोड़े हैं, बाकी तो हर चीज ज्यादा 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 ही, तो ये है फ्यू चांद एक, तो ये इससे जो है वो टैली नहीं करता, नॉट सिमिलर विद मैनिफोल्ड, तो इसका जवाब फ्यू है। अच्छा, नेक्स्ट है द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड, सीधी सी बात है, डायरेक्ट स्पीच का फिक्रा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने 8th क्लास में की, ठीक है। इसके 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा आपको पता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और नेक्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है इसको आप रिपोर्टेड, ठीक है, एंड पे ईडी आएगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो कानून इसका कुछ यूं होता है कि आप ये देखो फिक्रा जो है वो इम्पेरेटिव है, यहाँ पे हुक्मिया फिक्रा है, तो इसके सेट टू को हम जो है वो देखेंगे कि टीचर ने नसीहत की है, एडवाइस की है, बीइंग पोलाइट, टीचर पोलाइट होते हैं, सिविलाइज होते हैं, तो उन्होंने एडवाइस किया है, द टीचर सेट टू को हम एडवाइस में बदलेंगे, आज इन्वर्टेड कॉमास को हम जो है वो टू में उस वक्त बदलते हैं जब फिक्रा इंपेरेटिव होता है, तो टू लगा के, और टू का ये एक पेट कानून है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आगे है जी अ फ्रेज, यानी कि आगे आपको 4 एमसीक्यू दिए गए हैं, उनमें से 3 मुकम्मल सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस जो होता है उसकी जो कंप्लीट फॉर्मेशन होती है वो जनरल फॉर्मेशन जो होती है वो SVO फॉर्म होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस कंप्लीट ना हो तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो ये देखो इन एन अनवाइज मैनर,
ठीक है, तो ये बेवकूफाना अंदाज में बस इतनी बात है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है। ठीक है, आगे है बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, वो लेटा हुआ था बिखरे हुए चावलों के पास। ठीक है, अच्छा तो ये बिसाइड से बात शुरू हो रही है, यहां से लेकर उसने यहां तक पूछा है कि ये असल में है क्या चीज। तो बिसाइड द अनगैदर्ड, ना इकट्ठे किए हुए चावल, ठीक है, बिसाइड बिसाइड प्रेपोजिशन है। तो ये जो फ्रेज है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस है, लेकिन इतना फ्रेज है, तो ये क्योंकि इसमें बिसाइड प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको पता ही होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज प्रेपोजिशन। आगे आता पॉइंट नंबर 8, ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ प्लेन, उसने जिंदगी बसर की है और जिंदगी की आगे जो है वो एक ट्रेट है, खूबी है, सिफ्त है कि वो डिवॉइड ऑफ प्लेन है, अल्जाम से पाक है, तो ये लाइफ की सिफ्त है। ठीक है, तो इसकी ये ट्रेट यानी खूबी, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त एडजेक्टिव फ्रेज है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। की वॉचिंग।